दोस्तों, तो मैं CUG सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कैंपस में हूँ। और ख़ास बात यह है कि इसका जो कैंपस है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लंगूर हैं और काफ़ी लंगूर हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के इस कैंपस में काफ़ी लंगूर हैं। अभी देखिए, मेरे पीछे भी लंगूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पास नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस काफ़ी ही इको फ्रेंडली है और आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरलिटी है इसमें। और ये काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, हालांकि ये कैंपस बहुत छोटा है और एडमिशन काफ़ी कम होते हैं इस एरिया में, और लेकिन काफ़ी इको फ्रेंडली है। रिसर्चिंग लेबोरेटरीज हैं हर एक डिपार्टमेंट की। जैसे कि ये देखिए, स्कूल ऑफ नैनो साइंस लेबोरेटरी 3। मेरे पीछे पीछे सारी जो है लेबोरेटरीज हैं, सोशल और वो क्या कहते हैं, जितनी भी साइंस के। पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस है, इतना बड़ा ही कैंपस है। पहले मैं आपको बता दूं रियलिटी। ये हमारा ग्रीन हाउस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। और पीछे ये जो है, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास खुद का हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, पढ़िए। तो जितने भी पुराने गवर्नमेंट क्वार्टर से, उन सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने कई टेंडर पे कई कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए लिया है ताकि वो अपने बच्चों को रख सके, लेकिन इनके पास हॉस्टल नहीं है। और मैं आपको यही बताऊंगा, इनके पास हॉस्टल ही नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पास एरिया भी नहीं है। एक्चुअली में ये जितना भी कैंपस आप देखते हो, ये पहले गुजरात का एक सेंट्रल स्कूल हुआ करता था। जो सेंट्रल स्कूल पता चला, फिर बाद में इस सेंट्रल स्कूल को बाद में क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। और 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया था, इसको बनवाया था। लेकिन हुआ क्या, इधर स्टेट में BJP की गवर्नमेंट थी जो इंटरेस्टेड नहीं थी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, क्योंकि सेंट्रल की मतलब कि ये गुजरात गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। तो ये जरा से कैंपस में रह गई और ये आज भी किराए पे चल रही है। और मेरे पीछे बहुत लंगूर है, मुझे डर लग रहा है। तो बहुत लंगूर है इधर। तो इसके साथ अब ये खासियत है इस यूनिवर्सिटी में, खासियत तो खैर कुछ नहीं, कि यह अगले 5 साल में बंद हो जाएगी। यहाँ पे या तो शिफ्ट होगी या परमानेंटली बंद हो जाएगी। मेरे पीछे काफ़ी लंगूर है इसलिए मुझे डर लग रहा है। शिफ्टिंग होने वाली इस यूनिवर्सिटी की, या तो ये परमानेंटली बंद हो जाएगी या शिफ्टिंग हो जाएगी। और वैसे इसमें कोशिश तो बहुत की गई है, लेकिन क्योंकि लोकल इसमें नॉन गुजराती ही पढ़ते हैं, गुजराती रेयरली किसी कोर्स में होते हैं, तो गवर्नमेंट भी इसे अच्छे से सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये गुजरात में नॉन गुजराती यूनिवर्सिटी है, गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। और हिंदी इंग्लिश का ही माहौल है इधर। तो मैं एजी टाइग्रा, अभी तो इतना सा ही व्लॉग है, मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, हालांकि ग्रीनरी बहुत है इधर, और अगर आप इधर एडमिशन लेते तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। और ये यूनिवर्सिटी सिर्फ 5 साल तक की डेडलाइन है, जैसा हम लोग जानते हैं।